फिल्मों में उनके लिखे एक एक अल्फाज पाकीज़ा हो गए। एक तरह की ये समझिए कि सेल्यूलाइट पर लिखी हुई कविता की तरह दिखाई देती हैं उनकी फिल्में। ऐसा उनमें प्रवाह उनका इतना बढ़िया होता है और इस तरह की चीज़ें जो उनके उसमें थी वही उनको किसी भी दूसरे फिल्मकार से उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह अलग करती हैं। जब फिल्म के डायलॉग लिखे तो मुगले आजम बन गई। हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम तुम इस अजीम शान तख्त ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। जब फिल्म की कहानी लिखी तो कामयाबी का महल खड़ा कर दिया। आएगा आएगा आने वाला एक इस तरह का अमित गाना बन गया है जिसके बगैर कोई भी सिंगर उसके गाए बगैर नहीं रहता। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर उसकी उसको एक बार स्टडी करता ही करता है तो वो एक माइलस्टोन है अपने आप में। फिल्म को डायरेक्ट किया तो दिले नादान की आरजू बन गए और पहले पर्दे पर साकार हुई रजिया सुल्तान। एक ऐसे फनकार जिन्होंने फिल्मों में गाने लिखे, डायलॉग लिखे, फिल्म की कहानी लिखी, डायरेक्शन किया और फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। अमरोही साहब उसी तरह के लोगों में थे जिनके लिए फिल्म बनाना एक पैशन था और जो अपने आप को एक अलग ढंग से व्यक्त करना चाहते थे। और जो उनकी फिल्में हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये पाएंगे कि ये जो डायरेक्टर है, ये जो फिल्म बनाने वाला आदमी है, ये दूसरों से कहीं अलग है। कमाल साहब से पहले राइटर को मुंशी कहा जाता था तो उन्होंने इस चीज़ को हटाया, मुंशी नहीं, स्टोरी राइटर, टाइटल अलग आना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था, आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, आपका एक हम सफर। अपनी कलम से कमाल दिखाने वाले वो कमाल के फिल्मकार थे, हिंदी सिनेमा के कमाल। कहीं एक
मगर सांवले से बहुत खूबसूरत। ये सिर्फ प्रस्तुति भर नहीं है, बल्कि इसमें एक प्रवाह है, इसमें एक कविता है। कविता का जो वेग होता है उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई होती है, ये उनका प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कमाल। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के कमाल। कमाल अमरोही थे, जिनके फन ने मीना कुमारी को उनका दीवाना बना दिया और वो कमाल से दिल लगा बैठी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी जब मिले तो मोहब्बत के तार तो जरूर छिड़े, लेकिन इश्क ने दोनों का ऐसा इम्तिहान लिया कि एक दूजे के होकर भी वो एक दूजे के लिए तड़पते रहे। दोनों के बीच में जो एक तार जुड़ा था वो कहीं पर उस लय में आगे नहीं चल सका जैसा कि उम्मीद की जाती थी, है जैसा कि लगता था कि ये बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। दोनों अपने अपने तरह के अलग कलाकार हैं और इनका जो मिलन है बहुत आगे तक जाएगा। फन के खास मकाम तक पहुंचे फनकारों की जिंदगी के साथ बहुत से झूठे सच्चे अफसाने जुड़ जाते हैं। कमाल अमरोही के साथ भी ऐसा ही हुआ। खासकर मीना कुमारी के साथ रिश्ते को लेकर तो जमाने ने उन पर तमाम इल्जामात लगाए हैं। अब है नहीं दोनों, और बहुत सी बातें मेरे गुनाह में शामिल होती हैं। अगर मैं अपने वालिद के लिए या अपनी वालदा के लिए या अपनी छोटी माँ के लिए ऑल फॉल बोलती चली जाऊँ मीडिया के सामने, बहुत सी बातें इंसान कह नहीं पाता है चाहने के बावजूद। जिनसे पल भर की पहचान बने अब मन के वो मेहमान, ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन है। जिनसे पल भर की पहचान। कमाल अमरोही से मीना कुमारी की पहली मुलाकात साल 1952 में आई फिल्म तमाशा के सेट पर हुई थी। कमाल अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म अनारकली के लिए हीरोइन की तलाश में थे। तमाशा फिल्म के हीरो अशोक कुमार ने इसी सिलसिले में उन्हें मीना कुमारी से मिलवाने के लिए बुलाया था। पहली ही मुलाकात में मीना कुमारी ने कमाल साहब के दिल में इतनी जगह बना ली कि उन्होंने मीना कुमारी के तय मेहनताने से तकरीबन दोगुनी रकम देकर फिल्म अनारकली के लिए साइन कर लिया। कमाल साहब का यह अंदाज मीना कुमारी को भी उनका कायल बना गया। कमाल अमरोही हालांकि मीना कुमारी से 15 साल बड़े थे, लेकिन पहली नज़र की मोहब्बत में बेकाबू हुई धड़कने इतना होश कहाँ रहने देती है। मीना कुमारी भी कमाल अमरोही की अनारकली बनने को बेताब हो गईं। इसी दौरान महाबलेश्वर से लौटते वक्त मीना कुमारी एक कार हादसे का शिकार हो गईं। उनका एक्सीडेंट हो गया, वो सासून अस्पताल में एडमिट थी, तो बाबा को
हमेशा बुलाने के बाद ही वो दवा पीती थी। और दोनों में एक शायराना लेटर्स इधर से उधर हुए और दोनों के वो लेटर्स मेरे पास महफूज हैं वो अब तक। कमाल मीना को अपनी फिल्म में अनारकली तो नहीं बना पाए, लेकिन खुद उनके सलीम जरूर बन गए। अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ 21 साल की उम्र में मीना कुमारी ने अपने से दोगुनी उम्र के कमाल अमरोही से चुपके से शादी कर ली। हालांकि उन्हें मालूम था कि ये एक इनकी बीवी भी मौजूद है, इनकी बच्चे भी हैं तीन। बाबा ने साफ कहा था, उनसे कोई छुपाया नहीं था कि मेरे तीन बच्चे हैं, मगर वो कहती थी मैं दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी। शादी करने के बाद भी मीना अपने पिता के घर पर ही रहीं। तब मीना कुमारी का इंडस्ट्री में उतना नाम नहीं हुआ करता था। वहीं फिल्म महल के बाद कमाल अमरोही का नाम शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। इतना उसमें परफेक्शन था पूरी फिल्म में कि आज भी वो एक माइलस्टोन है। और सब लोग जो किसी भी तरह की रहस्य की फिल्म से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ते हैं उसको एक आदर्श मानते हैं अपने लिए। कमाल अमरोही के फिल्मी दुनिया में दाखिल होने की कहानी भी किसी फिल्मी किस्से से कम दिलचस्प नहीं है। इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां के एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं कमाल साहब। तब उनका नाम सैयद अमीर हैदर हुआ करता था। सैयद की शरारत से तंग आकर एक दिन उनके बड़े भाई ने गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उस एक चांटे ने सैयद अमीर हैदर को कमाल अमरोही बना दिया। वो थप्पड़ उस दिन उनको पड़ा जब यहाँ पर एक घर इसी घर में शादी की महफिल थी, लड़कियाँ गाने गा रही थीं। वो थप्पड़ उनको पड़ने से वो जाके गिर गए जाके क्यारी में, और उसी रात जब सब घर वाले सो रहे थे उन्होंने अमरोहा छोड़ दिया। घर छोड़ा, लाहौर चले गए। वहाँ कुछ दिन एक उर्दू अखबार में काम किया, लेकिन लाहौर में उनका मन नहीं लगा और कमाल कलकत्ता चले आए। फिर वहां से मुंबई की राह पकड़ ली। कहा यह भी जाता है कि लाहौर में कमाल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार और सिंगर के एल सैगल से हुई थी। सैगल ने उनकी काबिलियत को पहचाना, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई लाए और मिनर्वा मूवी टोन के मालिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोहराब मोदी के पास ले गए। उन्होंने कहा सुनाइए कुछ हमें, तो उन्होंने जो पहला सीन अपने आप ही सुनाया, बिना जो लिखा हुआ भी नहीं था, बगैर लिखा हुआ उन्होंने इस तरह सुनाया जैसे उस पर उनकी फाइल जो हाथ में थी खाली वो पढ़ रहे हों। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी कंपनी के लिए आज से मुकर्रर करते हैं कि आप हमारी फिल्में लिखेंगे, और उन्होंने उनकी फिल्म लिखी। कमाल अमरोही की लिखी कहानी पर बनी सोहराब मोदी की फिल्म पुकार सुपरहिट रही। इसके बाद तो फिल्मों के लिए कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखने का उनका सिलसिला चल पड़ा। 1949 में आई फिल्म महल से तो कमाल अमरोही फिल्म राइटर से फिल्म डायरेक्टर भी बन गए। मैं इसलिए यहाँ अकेला आया था कि जो कहानी इस महल के बारे में मशहूर है उसकी मैं भी जरा तहकीक कर लूं। रहस्य और रोमांस के ताने बाने से बुनी और मधुर गीत संगीत के इस्तेमाल ने फिल्म महल को सुपरहिट बना दिया। और इसी फिल्म के साथ बॉलीवुड में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ। आज तक भी जो सस्पेंस की फिल्में बनती हैं, रहस्य को लेके जो फिल्में बनाई जाती हैं, उस तरह के जो लोग लिखने वाले हैं या लोग डायरेक्शन करने वाले हैं, जो लोग उसमें अभिनय करने वाले हैं, उनको सबसे पहले महल याद आती है। महल फिल्म की कामयाबी के बाद कमाल साहब ने कमाल पिक्चर्स नाम से अपनी फिल्म कंपनी खोल ली, जिसके बैनर तले उन्होंने मीना कुमारी को लेकर फिल्म दायरा बनाई। कमाल साहब ने जब दायरा की शूटिंग शुरू की उस वक्त महबूब खान भी अपनी फिल्म अमर को बनाने में लगे थे। है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। मधुबाला से पहले उन्होंने मीना कुमारी को ही बतौर हीरोइन साइन किया था, लेकिन मीना कुमारी की दिलचस्पी कमाल के फिल्म दायरा में ज्यादा थी। अमर फिल्म में काम करने से मना करने पर मीना कुमारी और उनके अब्बा अली बख्श में काफी कहा सुनी हुई। फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि आज ये शूटिंग पे नहीं गई है महबूब के वहाँ तो, और कमाल के सेट पे गई हैं, तो उन्होंने उन्हें
लौटने के बाद उनको घर से निकाल दिया, वो सीधी बाबा के पास आ गई। मीना कुमारी की जिंदगी में सबसे हसीन रात थी। लगा जैसे उनका खोया हुआ प्यार मिल गया। इसी खुश मिजाजी के साथ दायरा की शूटिंग शुरू हुई। दायरा फिल्म को कमाल अमरोही मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन वो 1953 में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। वहीं बैजू बावरा फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद मीना कुमारी लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। कधारा तू गंगा की मौज में जमुना कधारा हो रहेगा मिलन ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। उसी दौरान के आसिफ अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मुगले आजम को बनाने में लगे थे। फिल्म का डायलॉग पहले अकेले वजाहत मिर्जा लिख रहे थे। अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है एक बांदी है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। आसिफ साहब को लगा कि कैसे डायलॉग राइटर की जरूरत है जिसके लिखे डायलॉग दर्शकों के दिमाग से बरसों बरस नहीं निकल पाए, और इसके लिए उन्हें कमाल अमरोही सबसे मुफीद लगे। अनारकली, इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादी, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी ज़बान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। अनारकली, सलीम और अनारकली के बीच के डायलॉग लिखने के बाद कमाल अमरोही अपने फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनाकर यह साबित कर देना चाहते थे कि उनकी मीना अनारकली से भी खूबसूरत है। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। और तब से उन्होंने इसको एक बड़े अपने सपने की तरह संजो कर रखा था, और ऐसा सपना जो जिसको वो परफेक्ट करते रहे होंगे इतने धीरे धीरे लिख के, एक एक बात, एक एक चीज़, एक एक सीन, इतने वर्षों में उन्होंने इसका संजोया होगा और तब बनाया उसको। उनके हाथ से लिखे ये स्क्रिप्ट उसी पाकीज़ा फिल्म के हैं। साल 1958, पाकीज़ा की शूटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में शुरू हुई। उसी बीच कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया कि मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो गईं और पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पर ब्रेक लग गया। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते में दूरियां कैसे आई, इसकी एक वजह नहीं थी। ये बातें कि भाई ऐसा हुआ और उन्होंने ऐसा किया या उन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया या ऐसी बहुत सारी कहानियाँ कही जाती हैं जिनका सच कोई
100% नहीं बता सकता। ज़्यादातर बातें सुनी हुई हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन बातें हैं कि हाँ, वो पारिवारिक जीवन दोनों का बिल्कुल सुखी नहीं रहा। उस वक्त की सुर्खियों की माने तो मीना कुमारी की शोहरत से जलन, मीना पर अपना हक जताकर उनकी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश और खुद मीना कुमारी की मोहब्बत पाने की अनबुझ प्यास, इन सब ने मिलकर इन दोनों के इश्क को अदावत में बदल दिया। एक और एक घर में कौन से मियाँ बीवी में हैं दुनिया में, अगर वही कहते हैं कि हमें झगड़ा नहीं होता तो झूठ बोलते हैं, दोनों में होता था, तो यही इश्यूज थे ना वो, क्योंकि मीना कुमारी थी तो हर इशू को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया जाता है। मीना कुमारी से अलग होने के बाद कमाल अमरोही भी सुकून से न थे। पाकीज़ा की शूटिंग बीच में ही रुकी थी, प्रोड्यूसर्स उनकी किसी भी अगली फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। मीना कुमारी से रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ चुकी थी जिसे कम करना मुश्किल था। दूसरी चिंता थी मीना कुमारी की बिगड़ती सेहत। लगातार शराब पीने की वजह से मीना कुमारी को लिवर कैंसर हो चुका था। वो 64 में गई और वापस आई 70 में, मतलब शूटिंग करने के लिए आई, तो उसके लिए उन्हें तैयार किया गया। सबसे पहले मैं खयाम साहब का नाम लूँगी, म्यूज़िक डायरेक्टर खयाम साहब, और उनकी जो बीवी हैं जगजीत कौर, उन्होंने, और फिर नरगिस जी और सुनील दत्त साहब ने उन्हें तैयार किया कि तुम मीना, इस फिल्म के हमने रशेस देख लिए हैं, ये एक शाहकार है, इस ये अगर नहीं आया फिल्म लाइन में तो फिल्म वाले बहुत और दुनिया महरूम रह जाएगी एक बहुत बड़े शाहकार से। मीना और कमाल जिंदगी के जिस मोड़ पर बिछड़े थे, उनकी दोबारा मुलाकात भी उसी मोड़ पर हुई। ये मोड़ था फिल्म पाकीज़ा। इस बार फिल्म की शूटिंग कलर फॉर्मेट में शुरू हुई। खुद मीना कुमारी भी यही चाहती थीं, वरना कमाल अमरोही से अलगाव के पहले ही फिल्म का ये मशहूर गाना लाखों का सेट लगाकर ब्लैक एंड वाइट में शूट हो चुका था। मीना का मन था कि अब पाकीज़ा रंगीन होनी चाहिए। ये बात कमाल अमरोही ने भी फौरन मान ली। जिसने अशर पे गजरी ना दुपट्टा मेरा, जिसने अशर पे गजरी ना दुपट्टा मेरा, हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। उन्हें भी मालूम था कि चंदन मेरे लिए एक ऐसी शाहकार फिल्म बना रहे हैं पाकीज़ा, जो ताजमहल की तरह से याद रखी जाएगी फिल्म इंडस्ट्री में। मीना कुमारी की और फिल्में इतनी नहीं, लोग हमेशा दोहराते रहेंगे, जितनी पाकीज़ा। पाकीज़ा उनका एक शाहकार है और उन्होंने वही काम किया जो एक शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए किया था। उन्होंने 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा पर्दे पर थी और मीना कुमारी अस्पताल में अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारा घर किसी बहुत ऊंची जगह पर है, बिल्कुल सफेद। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने दम तोड़ दिया। कमाल फिर तन्हा हो गए। मीना कुमारी के मौत के बाद कमाल अमरोही का फिल्मों से कुछ समय तक नाता टूटा रहा। सालों बाद आई फिल्म शंकर हुसैन के उन्होंने बस डायलॉग लिखे और 1983 में अपनी एक और भव्य फिल्म रजिया सुल्तान से फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। कमाल अमरोही की रजिया सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही। इसकी नाकामी ने कमाल को अंदर से तोड़ दिया। अपने कमाल से दर्शकों को बांधने वाला ये अजीम फनकार 11 फरवरी 1993 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया। ये उनके और मीना कुमारी की मोहब्बत का ही असर है जो मौत के बाद भी दोनों की रूह मुंबई के एक कब्रिस्तान में ठीक अगल बगल दफन है। उस कब्रिस्तान की सुनसान फिजाओं में बस यही आवाज गूंजती है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम
भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो